देखिए, इसमें दो पॉइंट थे जो उन्होंने भी इनका जिक्र किया है। एक तो जो है वो हमने कहा कि आप वोट काउंटिंग करें, लेकिन स्पीकर साहब ने ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी और वोट काउंटिंग जो है वो दोबारा नहीं कराई। हमारा ख्याल था कि उनके पास 220 मेंबर भी जो हैं वो हाजिर मौजूद नहीं है असेंबली के अंदर, सही लेकिन वो काउंटिंग नहीं कराई। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी शहबाज शरीफ बार बार कहते रहे कि मेरा हक है एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मुझे दें, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। दूसरा जो बिलावल साहब ने पॉइंट रेज किया कि 222 मेंबर्स रिक्वायर्ड थे, क्योंकि दोनों हाउसेस की स्ट्रेंथ का हाफ से ज्यादा मेजोरिटी होना जरूरी है ज्वाइंट सेशन के अंदर जो है कोई भी बिल पास करने के लिए। तो ये जो जाब्ता अखलाक था ज्वाइंट सेशन का, उसकी भी धजियां उड़ाई गई। तो हम तो समझते हैं कि ये लीगैलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती इन लॉज की, जो जो आज जो बिल पास हुए उनकी लीगैलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। और अपोजिशन इसके ऊपर जो है यकजहत होके एक लायमल बनाएगी और इनको चैलेंज करेगी, कोर्ट में भी चैलेंज करेगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाना पड़ा, वहां भी हम जाएंगे। तो सही हम समझते हैं आज जो कुछ भी ये जीत कह रहे हैं, ये असल में दरअसल ये सारी इलीगल कार्रवाई थी। और इसके अंदर एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो स्पीकर साहब थे उन्होंने और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तो कंसेंसस की बात की थी, और इन्होंने कहा था कि पिछला सेशन हम इसलिए मुलतवी कर रहे हैं या उसको डिले कर रहे हैं कि हम चाहते हैं इसमें कंसेंसस हो अपोजिशन की तरफ से। और फिर खतो खताबत भी हुई, अपोजिशन ने रिटन जवाब मांगा स्पीकर साहब से, लेकिन वहां से मुकम्मल तौर पर खामोशी आई। तो इससे दो चीजें साबित होगी, नंबर एक, हुकूमत कंसेंसस में बिलीव नहीं करती, नंबर दो, स्पीकर साहब जो है वो एक पार्टिजन स्पीकर हैं, वो पीटीआई के रुकन है और उन्होंने पीटीआई की हमायत में पूरा जो है वो सेशन किया। तो दूसरी चीज और आखिरी जो मेरा पॉइंट इसमें है वो ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो स्पिरिट होती है वो ये होती है वो कंसेंसस से हो। तो आज आपने बुनियाद रख ली एक मुतनाज़े इलेक्शन की, अगर आप इसके साथ इससे मूव फॉरवर्ड करेंगे भी तो ये एक मुतनाजा इलेक्शन होगी जिसके अंदर यानी कि 80% जमाते पाकिस्तान की कहती है कि हम इसे बिलीव ही नहीं करते, हमें एतमाद ही नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे भी तो ये एक मुतनाजा इलेक्शन की तरफ आप जाएंगे, जो कि इस मुल्क के लिए, कौम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है हमारा रिटर्न जो जवाब था, हमने रिटन जवाब दिया स्पीकर को, राणा एहसान उसका साहब वो तो जवाब हो गया दिया आज। अगर अदालत है। इसको विधायी करती है कि जी नहीं सही है, फिर लेकिन तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इन इन कानून के साथ इलेक्शन नहीं होने देंगे, इन कानून के साथ इलेक्शन नहीं होने देंगे।